नमस्कार, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका दूसरा भाग है x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। जैसे हमने पिछले भाग में किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बिना x वाला रकम है माइनस 5, हम इसका नंबर लेंगे 5। इसके फैक्टर देखो क्या क्या होंगे, किस किस के पहाड़ में आएगा, 1 के और 5 के पहाड़ में आएगा। तो दोनों के साथ ही प्लस या माइनस लगा दो, दोनों के साथ ही प्लस और माइनस लगा दो। इसका मतलब चार संभावित वैल्यू हो सकती है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5। तो अब हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये एंड है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब यह है, इसको मान लेंगे हम, मान लो px बराबर है इसके, तो p ऑफ पहले प्लस 1 मानो, तो x की जगह 1 लेके देखो क्या हमारा 0 आता है। 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह 1 का स्क्वेयर माइनस 9 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 5। 1 का क्यूब है 1 माइनस 1 स्क्वेयर इज 1 इंटू 3 माइनस माइनस 9 एकम 9 माइनस 5। ठीक है, इसे जब हम हल करेंगे तो ये आएगा, माइनस वाली रकम में प्लस कर लो, 9 5 14 और 3 17 माइनस 17 प्लस 1 माइनस 16। तो ये तो जीरो नहीं आया, हमें ये नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं माइनस, अभी हमने प्लस 1 भरा था, अब माइनस 1 भर के देखते हैं p ऑफ माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसी बहुपद में x की जगह लिखेंगे माइनस 1, जैसे अभी 1 लिखा था अभी माइनस 1। तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। इसे हल करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, आगे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 एकम 9, आगे है माइनस 5। अब ध्यान से देखें, माइनस वाली रकम अलग से प्लस कर लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये आ गया माइनस 9 प्लस 9, माइनस 9 प्लस 9 हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि p ऑफ माइनस 1 लेने से, p ऑफ माइनस 1 लेने से हमारी वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है x माइनस माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। मैंने आपको पिछले भाग में समझाया था, इसके तीन भाग हैं। पहला भाग हमारा हल हो गया, हमें एक गुणनखंड मिल गया, वो है x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग, जिसमें हम क्या करेंगे, इस बहुपद को, इस जो हमारे पास गुणनखंड आया, इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको मैं भाग करूंगा जो हमारे पास ये गुणनखंड आया है x प्लस 1 से। तो रफ वर्क हमेशा की तरह, पहली रकम से पहली रकम भाग कर दो, x क्यूब को x से भाग करा तो हमारे पास आ गया x², एक x से एक कट जाएगा, दो रह जाएंगे, तो x² यहां लिख दो, ये x² x से गुना होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, x² इन दोनों से गुना होता है ना, तो x² प्लस 1 से गुना होगा तो ये बन जाएगा प्लस 1x². अगली रकम में इनके निशान चेंज कर दो, x³ से x³ कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4x², साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस, आगे से उतारो माइनस 9x माइनस 5। इसके बाद पहली रकम से पहली रकम भाग कर दो, माइनस 4x² यहाँ पे पहली रकम है और उधर पहली रकम है x, एक x से एक x कट गया, बाकी बच गया ये माइनस 4x माइनस 4x, ये माइनस 4x यहाँ लिख दो। अब माइनस 4x को जब x से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4x², प्लस 1 इंटू माइनस 4x करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4x। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करें, साइन चेंज कर दो, ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस 4x² से प्लस 4x का कट गया, यहां देखिए माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4x निकाला 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन बड़ी रकम का माइनस 5x माइनस 5, ये हमारे पास बच गया। पहली रकम से फिर पहली रकम डिवाइड कर दो, माइनस 5x से x भाग किया, x से x कट गया, बाकी बच गया माइनस 5।
माइनस पांच यहां लिख दो, माइनस पांच को एक्स से गुना किया माइनस पांच एक्स, प्लस इंटू माइनस, माइनस पांच को एक से गुना किया एक पांच, सॉरी। अगले स्टेप में साइन चेंज, साइन चेंज, माइनस पांच एक्स से प्लस पांच एक्स कट गया और माइनस पांच से प्लस पांच कट गया, हमारे पास शेषफल आ गया जीरो। इसका मतलब पता क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि ये बहुपद कैसे आया है, इसको और इसको गुना करके आया है, क्योंकि शेषफल जीरो है, इसको और इसको गुना करके ये बहुपद आया। जैसे 10 को 2 से भाग करें तो यहां 5 आएगा, 2 5 10, ठीक है, ऐसे इसको और इसको गुना करके ये आएगा। इसका मतलब यह है कि px बराबर है x+1, ये गुना होगा इससे x²-4x-5 से। अब यहां से हमारा तीसरा चरण, तीसरा स्टेप शुरू होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस रकम को तो साथ के साथ ही ऐसे लिखते जाएंगे नीचे, और इसका हम अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, गुणन खंडन करेंगे। उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? x² के साथ वाली रकम को बिना x वाली रकम के साथ गुना करो तो यह आ गया -5, -5 के फैक्टर 1 और 5, और किसी पहाड़ में आता नहीं, 1 गुना 5 में ही आता है, तो यही जोड़ा हमें लेना है। कैसे करते हैं देखो, ये x+1 मैं साथ में ऐसे ही लिख रहा हूं, यहां मैं बड़ी ब्रैकेट शुरू कर रहा हूं, और देखो ध्यान से बच्चों, पहली रकम ऐसे ही लिखेंगे, आखिरी रकम ऐसे ही लिखेंगे, बीच वाली रकम की जगह ये जो जोड़ा हमने लिया ये लेंगे 1x और 5x, ये जोड़ा लिया, इसके साथ अभी निशान लगाना है। अब ध्यान से देखो, यहां निशान कौन सा है, माइनस, इसका मतलब इनके निशान उल्टे होंगे, 1 + 1 - उसके लिए यहां देखो ये निशान है माइनस, तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ माइनस, जो छोटा है उसके साथ प्लस, इस ब्रैकेट को कर दो बंद। अगले स्टेप में x+1, ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए डाली क्योंकि अब इसके अंदर छोटी ब्रैकेट्स बनेंगी। आप जानते हैं यहां एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। पहला जोड़ा देखो, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन, बाकी 1x² में से x बाहर चला गया, यानी 1x बाहर चला गया तो 1 अंदर, 1x में से x बाहर चला गया तो बाकी रह गया 1। अगले वाले जोड़े में देखो, यहां भी -5 है, यहां भी -5 है, तो -5 कॉमन ले लो, यहां से -5 बाहर चला गया, बाकी रह गया x, माइनस में से माइनस बाहर चला गया, माइनस को माइनस से भाग किया प्लस 5 में से 5 बाहर चला गया, 5 को 5 से भाग किया 1, ठीक है। फिर से देखोगे यहां x+1 है, यहां भी x+1 है, तो अब हमारे पास ये x+1, तो ये वाला मैंने उतारना ही है नीचे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो कि यहां क्या होने जा रहा है, यहां पर ये x+1 कॉमन है, तो x+1 कॉमन है, और यहां से देखो x+1 कॉमन है तो बाकी बच गया x, और यहां से x+1 बाहर चला गया तो बाकी बच गया -5। तो ये हमारे पास तीन ब्रैकेट्स आ गई। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था बच्चों, इस क्वेश्चन के तीन भाग हैं। देखिए, पहले भाग में हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से एक गुणनखंड निकाला, ये इस क्वेश्चन का पहला भाग था। ये लाइंस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, आपने नहीं लगानी। ये पहला भाग था जिसमें x+1 px का गुणनखंड है, हमने एक गुणनखंड निकाला। उसके बाद ये दूसरा भाग है जिसमें हमने अपने दिए गए बहुपद को, जो हमने गुणनखंड निकाला, उसके साथ भाग किया, जिससे हमें ये वाला शेषफल मिल गया x²-4x+5, ठीक। ये हमारा दूसरा भाग था इस प्रश्न का, ये वाला। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा px किसके बराबर होगा, ये गुना ये, x+1 × 1x²-4x+5। उसके बाद तीसरा भाग ये है जिसमें हम एक ब्रैकेट को ऐसे ही नीचे लिखते जाते हैं और दूसरी ब्रैकेट का अभाज्य गुणन खंडन करते हैं, जैसे हम पहले सीख चुके हैं, जिससे हमारे पास तीन ब्रैकेट्स आ जाती हैं। इन तीनों को गुना करने से हमारा ये वाला बहुपद बनेगा। तो यही जो है, यही गुणन खंडन है जो हमें चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा ये वीडियो। देखिए, मैं भी इतने लंबे लंबे वीडियोज बना रहा हूं आपके लिए, तो अगर आपको ये वीडियोस बच्चों अच्छे लगें, समझ आएं और अच्छे लगें, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।